हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा आप लोगों को पता है, मैं आप लोग के लिए हमेशा क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि अब्रॉड में रशिया में जो है ना मंथली एक्सपेंसेस एंड डेली एक्सपेंसेस स्टूडेंट का कितना आता है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल रसिया मेडिको को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार सबसे पहले हमारे चैनल रसिया मेडिको एंड रसिया मेडिको इन्फो दोनों चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। डेली एक्सपेंसेस एंड मंथली एक्सपेंसेस बताने से पहले जो है ना मैं आप लोग को पहले यहाँ जो है ना हर एक चीज़ का क्या रेट है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ क्या, हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ वेजिटेबल शॉप जिस जहाँ सब्जी वगैरह मिलता है, सब्जी फ्रूट्स। तो अभी वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ चल के आप लोग को सबका रेट बताते हैं, फिर पेट्रोच के आएंगे जहाँ पे आप लोग को हर एक ग्रोसरीज का रेट बताएंगे। फिर उसके बाद तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो आपका मंथली खर्चा एंड डेली एक्सपेंसेस कितना तक आ सकता है। तो अभी मैं आ गया हूँ क्या सब्जी की दुकान में। ये देखिए, जैसा बैंगन 88 रुपये पर केजी है। उसके बाद कैबेज की बात करें तो इधर भी है कैबेज 78, आलू 18, 38, हर एक वैरायटी का है जैसा आप लोग हैं। और ये कैसे 138 रुपये पर केजी है। और केला देखो, केला जो है ना यहाँ 128 रुपये केजी है। इसके हिसाब से देख सकते हैं, ग्रेप्स वगैरह भी है इधर, जो एप्पल वगैरह इंडिया के रेट में ही आपको मिलेगा 88, 78। ये भी 88 का, इधर ये 428 का है पाइन एप्पल पर पीस। तो आप लोग जो है ना सब्जी का रेट देखकर अंदाजा लगा लिए ही होंगे कि यहाँ जो है ना सब्जी का क्या रेट चल रहा है। और पता है अभी सब्जी जो है ना थोड़ा यहाँ सस्ता है क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, ठंड के टाइम में जो है जब स्नोफॉल होता है उस टाइम जो है ना सब्जी थोड़ा महंगा मिलता है। अभी नॉर्मल रेट बोल सकते हैं, जो आलू प्याज जो तेल इन सब का जो है ना रेट यहाँ जो इंडिया में अप्रोक्स आप ये लेकर चलो कि उतना ही रहता है। इंडिया में भी 30-40 मिल रहा है, यहाँ भी जो है ना 30-40 मिल रहा है। तो अभी जो है ना आप लोग को चलते हैं कहाँ लेकर, ग्रोसरीज के शॉप पे लेकर चलते हैं, फिर वहाँ जो है ना आप लोग को हर एक चीज़ का रेट बताते हैं। ट्रोली ले लेते हैं क्योंकि बस वीडियो नहीं बनाना, सामान भी लेना। निकल नहीं रहा भाई, ये तो निकल जाए यार कोई भी। तो ये लो भाई, पेट्रोचका में प्याज सस्ता है। अच्छा हुआ जो है ना मैं सब्जी मंडी में नहीं लिया, वहाँ 30 रुपये के आसपास में था, यहाँ मात्र 16 रुपये के जी प्याज है। टमाटर 99, ये 63 रुपये के जी है। और ये रहा तरबूज, तरबूज का क्या रेट चल रहा है भाई अभी, 15 रुपये है। तो चलिए फिर यहाँ से जो है दो चार सामान मैं ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या। पानी का बोतल आप देख सकते हैं ये कितना 54 का है, 5 लीटर वाटर। तो अभी जो है ना मैं यहाँ से एक मटर का कैन लिया हूँ, ये आई थिंक 32 रुपये पर के जी पर। और एक क्रसनाय सेना है ना, क्रसनाय सेना का जो भी प्रोडक्ट होता है वो सस्ता होता है। और प्याज टमाटर एंड खीरा, खीरा 60 रुपये पर के जी मिला है। तो अब जो है ना चलते हैं किधर, आप लोग इधर चल के चावल दाल इन सब का क्या रेट है, अंडे का ये दिखाते हैं। तो अंडे का रेट जो है ना सबसे छोटे वाले साइज का 4 रुपया 70 पैसे और बड़े वाले का 5 रुपया 40 पैसे रेट है पर पीस। इधर और भी है, 60 पीस वाले ले सकते हैं, सॉरी इधर 30 सीट का है जिसको अंडा का कैरेट बोलते हैं, ये है 160 रुपये में 30 पीस। चलिए भाई दो तीन पैकेट जो है ना अंडा उठा ही लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इसमें कुछ लोचा तो नहीं है ना। नहीं है, सही है। एक तीन सबसे स्टूडेंट लाइफ में जो है ना सबसे अच्छा चीज़ है क्या, अंडे। और वैसे जिम वगैरह भी कर रहे हैं तो उसमें खाना पड़ता है। इधर जो है ना पास्ता रखा हुआ है, जैसे ये पास्ता कितना 49 का है पर पैकेट, ये भी 49 का है। इसके नीचे और सस्ता है, 39 रुपये पर पैकेट है, इसके ऊपर का थोड़ा कॉस्टली होगा। जैसे ये सब 145, इधर है 79 का पैकेट है ये वाला, ये सब पास्ता है। लेकिन पास्ता मैं नहीं ले रहा, पास्ता मैं बहुत कम खाता हूँ। तो इधर जो है ना चावल दाल रखा हुआ है, देखो चावल सबसे सस्ता है 67, 50 का भी मिलता है, डिपेंड करता है कि आप कैसा चावल ले रहे हो। जैसे जासमिन लोगे ग्लोबल विलेज का तो 139 का मिलेगा, हम लोग ये यूज करते हैं 108 रुपये जो है ना का 900 ग्राम मिलता है, ये 97 का। हर एक रेंज का चावल है, आपको जैसा चाहिए आप वैसा ले सकते हो। फिर इसके नीचे आओगे तो दाल है ये सब 90 रुपये 80 रुपये, आपको जैसा लेना है। फिर इसके नीचे ये सूजी वगैरह है, सूजी है 59 का पैकेट। ये दाल वगैरह का जो आइटम है ना वो सब रीनक्स लोकल मार्केट से लेने में सस्ता पड़ता है, यहाँ सुपर मार्केट में जो है थोड़ा महंगा मिलता है। चलिए फिर आप लोग को डेयरी जो है थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स का भी जो है रेट बता देते हैं, दूध दही इन सब का जो है ना यहाँ क्या रेट है। तो मिल्क जो है ना स्टार्ट होता है 34 रुपये पर लीटर,
कृष्णाय सेना जैसा मैं आप लोगों को बोला था सबसे सस्ता मिलता है, ये 34 का ही है कृष्णाय सेना। इसके बाद 56, 45 हर एक रेंज का है। फिर अगर आप इधर बॉक्स में लेते हो तो 84 का है, 109 का है, डिपेंड करता है लीटर पे। ये है केफिर, मीन मही जिसको बोलते हैं ना, छाछ बोलते हैं वो बोल सकते हो। इसमें भी बहुत सारा वेरायटी रहता है, तो इन सब का भी रेट है 69 में एक लीटर ऐसा करके। फिर ये रहा दही, दही का है 59 रूबल। दही ले लेता हूँ यार, दही में हमको भी लेना है, दही एक डाल लेते हैं। ये देखो ट्रोली में मेरा जो है ना सामान पैक होते जा रहा है, इतना सामान ले ले रहा हूँ ना, अभी कम से कम 8-10 दिन का जो है ना काम चल जाए। तो चलिए फिर अभी मैं जा रहा हूँ क्या तेल नमक ये सब लेने, तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ तेल का क्या रेट है। यहाँ जो है ना मोस्टली सनफ्लावर ऑयल मिलता है, सरसों तेल जो है ना आपको यहाँ हर एक जगह नहीं मिलेगा, बहुत कम दुकान है वहाँ जो है ना सरसों तेल मिलता है। तो यहाँ पे जो है ना तेल का भी काफ़ी सारा वेरायटी है, लेकिन सबसे जो कम स्टार्ट होता है वो 86 रूबल से स्टार्ट होता है। ये रहा जैसे मैं बताया था कृष्णाय सेना सबसे सस्ता होता है 86। इसके बाद 138, 144, ये 119 का है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अपने प्राइस के हिसाब से आपको कैसा लेना है। और इसी के बगल में है मैदा आटा इन सब का सेक्शन। नमक में बहुत सारा वेरायटी है, 11 11 रूबल का पर पैकेट है, उसका 26 का भी है। और इसके नीचे आता है क्या मैदा, मैदा है 100 रूबल, 102, हर एक वैरायटी का है। और चीनी है 102 रूबल पर केजी। अभी रशिया में चीनी महंगा चल रहा है, चीनी जो है ना 102 रूबल पर केजी है। तो गाइस मैं जो है ना ऑलिव ऑयल यूज करता हूँ, ये वाला अभी ये सस्ता चल रहा है भाई, दो उठा लेता हूँ फिर। तो इसको रखते हैं यहाँ पे। ये ब्रेड जो है ना 34 का है, इसी का छोटा लोगे तो 21 का, सेम रेट है। इंडिया में भी ब्रेड का जो है ना इतना ही रेट पड़ता है। और इधर है बिस्किट का सेक्शन, तो बिस्किट जो है ना यहाँ काफी कॉस्टली है। आप ये देख सकते हो 62 का ये बिस्किट है, जो कि हमारे यहाँ 5-10 में मिलता हो। तो बिस्किट एंड कुकीज जो है ना रशिया में थोड़ा कॉस्टली है। तो क्या अभी हमको जूस भी लेना है, जूस का भी बहुत सारा वैरायटी है। देखो स्टार्ट यहाँ 49 से होता है, फिर उसके बाद आप 89, जैसा लोगे वैसा रेट। तो अभी जो है ना मेरा है प्रोक शॉपिंग कंप्लीट हो गया है, ट्रॉली भी जो है ना फुल होने वाला है। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा रेट के बारे में। तो अभी चलते हैं बिल कराते हैं और देखते हैं कितना जो है ना। तो अभी चलते हैं बिल कराते हैं, इधर इग्नोर करो, इधर जो है ना बस अल्कोहल रखा है पूरा। तो अभी चल कर बिल कराते हैं और देखते हैं कितने का बिल आता है। तो अभी पता है यहाँ कितने का बिल आया है, यहाँ है 1096, 1206 का बिल आया था, लेकिन पितरोज का कार्ड लगाने पे 200 का डिस्काउंट मिला। और 200 का जो है ना मैं बैंगन और गोभी जो है ना सब्जी मंडी से लिया था। तो अप्रोक्स जो है ना पूरा शॉपिंग 1200 का हो गया, 1400 का हुआ, लेकिन पितरोज का कार्ड लगाने पे 200 का डिस्काउंट मिल गया। और सामान इतना ज्यादा हो गया नहीं, देखिए पूरा ट्रॉली फुल है। तो यश को भी बुलाया हूँ क्योंकि हमसे अकेले सामान नहीं जाएगा। कैसे हो यश? बढ़िया। तो 1200 का जो है ना आज मैं पूरा शॉपिंग किया हूँ। और अप्रोक्स आई थिंक इसमें जो है ना जो भी डेली यूज का जो है खाना बनाना का सब्जी अंडे चावल दाल ये है, कम से कम मिनिमम 1 हफ्ता से 8-9 दिन तो निकल ही जाएगा। थोड़ा बहुत और सामान जो है ना कहीं डेली थोड़ा बहुत लेना पड़े। तो अभी जो है ना आप लोग को सब का रेट देख के इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि आपको जो है ना यहाँ पे किस चीज का कितना रेट है। और मंथली एंड डेली एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो पता है 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। पहला जो कि जो है ना बस जो उनका खाने में खर्चा आ रहा है ना बस उतना ही खर्च करते हैं उनका, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। दूसरे प्रकार में जो स्टूडेंट आते हैं वो उनका जो खाना बनाने में या फिर मेस में जो पैसा लग रहा है, जो भी प्रोडक्ट में डेली प्रोडक्ट में जो पैसा लग रहा है वो तो लग ही रहा है, उसके अलावा वो बाहर भी खाते हैं और थोड़ा बहुत कपड़े भी खरीदते हैं। और जो तीसरा प्रकार का जो बच्चा आता है ना वो होता है एकदम मीन्स रूम पे कम खा रहा है बाहर ज्यादा खा रहा है, हर एक वीक में सामान खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहे हैं, जो मन वो खरीद रहा है। तो जो थर्ड कैटेगरी में वो बच्चा आता है वो ज्यादा खर्च करने वाला था। तो 3 प्रकार में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सॉरी, जो फर्स्ट टाइप में है वो बहुत कम खर्चा करने वाला, मींस जो काम काम का है बस वही खर्चा करेंगे। सेकंड में हाँ थोड़ा बहुत चलो इधर उधर, मींस मीडियम में बोल सकते हैं, मीडियम पॉकेट मनी एंड एक्सपेंसेस के। एंड जो थर्ड है वो मन मौजी, जितना मन उतना खर्चा कर रहा है। तो अगर पहले तो चलिए फिर अब बात करते हैं कि जो पहला कैटेगरी का बच्चा है जो कि कम खर्चा करता है उसका मंथली एक्सपेंसेस कितना आएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए ना तो उसका 6 से 7 हजार में जो है ना मंथली एक्सपेंसेस एंड थोड़ा बहुत स्टेशनरी या फिर पॉकेट मनी जो है ना 6 से 7 हजार में चल जाएगा। और जो सेकेंड कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनका कम से कम 10 हजार रूबल जो है ना पर मंथ उनका खर्चा हो जाएगा। रूबल बता रहा हूँ, रुपीज नहीं, इनका जरूर ध्यान रखें। और जो थर्ड कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनका खर्चा जो है ना 15 हजार, तो कम से कम अगर वो सबसे शॉर्ट में भी खर्चा करें ना तो 15 हजार तक तो जाएगा। और उसके अलावा तो 20-25 कितना खर्च कर ले ये
बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं पेरेंट्स से ये जरूर बोलूंगा कि आप जो है ना मंथली खर्चा जो बच्चे रशिया में पर उनके लिए 10,000 रूबल काफी होता है, तो 10,000 रूबल से ज्यादा मत दे। किसी किसी मंथ में कपड़ा फोन या फिर कुछ खरीदना हो तो उस टाइम अगर आप ज्यादा देते हैं तो वो सही है, लेकिन उसके अलावा अगर आप नॉर्मल मंथ में अगर ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो इससे बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, तो इसका भी जो है जरूर ध्यान रखें। ये जो था ये मंथली एक्सपेंसेस था जो कि आपके पूरे मंथ का आएगा। अगर डेली एक्सपेंसेस की बात करें तो डेली एक्सपेंसेस में जो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं वो जो डेली प्रोडक्ट्स का सामान खरीदे उसी में उनका खर्चा होगा, या फिर कभी थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह बाहर के लिए उनमें समझो ये लेके चलो कि 50-100 या फिर 150 डेली बाहर खर्चा। जो सेकेंड कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनका डेली का खर्च कम से कम 200-300 तो आ ही जाएगा खाना पीना ये सब लेके, और जो थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उनका तो 500 तक भी जो है ना डेली का खर्चा जा सकता है। जो डेली का खर्चा बता रहा हूँ इसमें जो है ना आपका जो डेली प्रोडक्ट एंड जो भी आपके खाने पीने का सामान है वो सब इंक्लूड है। तो ऑन एंड एवरेज अगर देखा जाए तो एक मीडियम बच्चे के लिए 10,000 रुपये जो है ना पर मंथ काफी होगा रशिया में सर्वाइव करने के लिए। सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।